नहीं सही है यार, तुम लोग अच्छे लोग हो यार ऐसे। दिल्ली में तो बहुत दिक्कत होती है। अभी मैं वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा था, जो बीच शो में एक कपल ने मेकअप करना शुरू कर दिया। सारे लोगों ने अपनी कुर्सियां घुमा ली। ये बेटर है, ये थोड़ा बेटर है। मैंने भी इसे माइक स्टैंड साइड में रखा, माइक फेंका मैं, यार ये सच में बेटर तो है ही। वो बीच में रुक गए, कह रहे आप करो यार। मैं कह रहे आप करो यार। चलो गए। तुम लोग यार सही लोग लग रहे हो मुझे। तुम्हारे पास आइडियोलॉजी है क्या? किस किस के पास आइडियोलॉजी है? आइडियोलॉजी पता है? ये बोला, मेरे पास तो वोडाफोन है। ठीक है, तो एक काम करूँगा, मैं आप लोगों से कुछ बात करूँगा, आप मेरे को अजीबोगरीब जवाब देना, ठीक है? किसी को भी लगता है वो स्मार्ट है तो वो प्लीज़ रूम से चला जाए। नहीं, आई लाइक टम ऑडियंस। ठीक है, हाय ब्रो। हाय 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 ब्रो, आई एम टॉकिंग टू यू यार। आई डोंट लाइक टू टॉक टू द फ्रंट रो यार। वो आए हैं अपनी मरवाने, उनको पता है। उनमें उनके अंदर है ही नहीं कुछ यार, वो हार मान चुके हैं बिल्कुल। इसने थीसिस कर रखी होगी आइडियोलॉजी पे, कि मुझे पता ही नहीं भाई, मुझे पता नहीं क्या होता है। हाँ ब्रो, तो क्या नाम है तुम्हारा भाई? कुशाग्र। कुशाग्र नाम है, क्या करते हो? जस्ट जॉइन कॉलेज। जस्ट जॉइन कॉलेज, कहाँ से मिले तुझे 200 रुपये टिकट के यार? अब यहाँ पे आ गया, वड़ा पाव कैसे खाएगा तू? अच्छा, कॉलेज कौन सा कॉलेज है ब्रो? क्राइस्ट, बैंगलोर। क्राइस्ट, बस यही नाम है, क्राइस्ट कॉलेज, दैट्स इट। एंड आर यू फ्रॉम बैंगलोर? नो नो, आई एम फ्रॉम मुंबई। व्हिच सिटी डू यू प्रेफर, लाइक बॉम्बे और बैंगलोर? बॉम्बे। यू लाइक बॉम्बे? बॉम्बे, बॉम्बे में बहुत मजा है, सही है यार, बहुत सही जगह है। अभी यहाँ पे बिल्डिंग गिर गई थी, लोग चिले यार, जो थे उस बिल्डिंग में वो भी चिले। मैंने कहा तुम्हें शॉकिंग नहीं लग रहा ये बिल्डिंग गिर गई यहाँ पे? कहता नहीं ये शॉकिंग नहीं है, ये बगल वाली खड़ी कैसे, ये शॉकिंग है। अच्छा तो तेरा क्या प्लान है ब्रो, क्या कर रहा है कॉलेज में, क्या कर रहा है? आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस। पॉल साइंस, उसको तो पॉल साइंस बोलते हो। अबे अपने अंदर के मुंबईकर को मार वहां जाने से पहले, वो चीर पाड़ के खा जाएंगे। देखो यार क्या कर रहा है यार, बॉल साइंस। अच्छा तो देखो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वैसे? इंटरेस्ट ऐसे मतलब तू पॉलिटिशियन बनना चाहता है, तुझे अच्छा लगता है जानना? अच्छा लगता है। तू इतना स्वीट है, तू बन भी नहीं सकता पॉलिटिशियन यार। तू जाके बोलेगा प्लीज वोट दे, वोट एक दे दो सर, एक तो खुद कर ले अपने आप को। सर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं, मैं इसको नहीं करूंगा, मुझे मार देगा यार। तो मतलब अभी कौन सा ईयर है तेरा? तू कॉलेज खुले भी नहीं है? नहीं। तो अपने बाबा माँ बाप का जूते काट के चला गया यार। पापा कॉलेज खुल गए, बैंगलोर में केसेस है ही नहीं। हाँ वहाँ पे कोरोना था ही नहीं, वहाँ पे खाली हैजा फैला था। उसके बाद से वहाँ पे, हाँ वहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है पापा। हाँ यहाँ पे आपको डर है, मेरे को जाने दो। तो व्हाई डिड यू चूज बैंगलोर, इज इट अ गुड कॉलेज? मुझे लग के तो सुन के तो नहीं लग रहा कि कुछ मचाओ कॉलेज होगा। अब आर्ट्स करने के लिए कौन सा कॉलेज होता है? कोई भी कॉलेज होगा आर्ट्स करने, क्या आर्ट्स है ये? और ये इकोनॉमिक्स कब से आर्ट्स हो गई, इसमें क्या आर्ट है? पॉलिटिकल साइंस में क्या आर्ट है? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आर्ट है? मैं तो आर्टिस्ट हूँ। अच्छा क्या कॉम्बिनेशन? अच्छा ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? पॉलिटिकल साइंस। पता है इसको आर्ट क्यों, आर्ट्स क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें 3-4 सब्जेक्ट होते हैं, ये सब वो पढ़ते हैं, नौकरी कहीं नहीं मिलती। फिर इनको आर्टिस्ट बनना पड़ता है यार, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। डिग्री मिलने के बाद मामा बोल रहे हैं, हाँ बेटा क्या गिटार दिलाओ इसको, क्या करेगा ये? ये कुछ नहीं है तो 3-4 बाद किसी बार में बैठा हुआ, बड़ा भी मैं छम्मक चल रहा हूँ भी मैं। कोई यार फ्यूचर मतलब देखो, पता है ना इसमें कुछ, ये क्या होता है प्रोफेसर जाके मतलब ये आर्ट्स पढ़ते हैं, खुद प्रोफेसर बन जाते, सारे प्रोफेसर बन जाते हैं। लेकिन फिर बच्चे आ कहाँ से रहे यार, सब प्रोफेसर बन जा रहे हो तुम बीच बीच में, लेकिन कुछ लोग एक्सपायर भी हो जाते हैं। सॉरी यार, सॉरी ऐसा पता नहीं क्यों बोल दूँ। सब होता है एक्सपायर यार, देखिए जिंदगी मौत यार, जिंदगी मौत तो चलती रहती है यार। मुझे मेरे को
डेथ ना बहुत फनी लगती है यार. एक दोस्त का फोन आ गया, उसके फादर एक्सपायर हो गए. देखें रूडिया प्लीज आ जा मेरे पास, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ. मैंने उसे बोला मॉम तो है ना जिंदा. दोस्त भी मर ही गया ये सुन के यार. नहीं यार अच्छा है. मेरे दादाजी बहुत फन थे यार. मेरे दादाजी तो बहुत फन थे. एक बार हम मैयत में गए थे. मेरे पास आके बोलते हैं बेटा मौत का सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है. मौत कभी भी आ सकती है, मौत का कोई भरोसा नहीं है. और 7 दिन बाद खुद मर गए. बात सही बोल के क्या बुड्ढा यार है.